टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोहब्बत खेल तमाशा है। आप तो ऑफिस जा रहे थे ना? सब खैरियत तो है वलीद? तुम आ जाओ, तुम्हारी कसर बाकी रह गई थी, बल्कि कसर बाकी रह क्या गई थी। सुबह तुमने बाबा के सामने मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अच्छा तो ये बात है, जारा ने आपको फिर से लाजवाब कर दिया। तुम तो खुश होगी ना, ये सब कुछ तुम्हारी मेहरबानी है। खैर मेहरबानी मेरे अकेले की तो नहीं है, इन परेशानियों के मेहरबान कोई और भी है। पता है जब दिल के बहुत करीब से मारा जाए ना तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तुम अपना ये तंज बंद कर सकती हो? तंज नहीं करी मैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जारा की ये प्रॉपर्टी वाली ख्वाहिश उसका भी मुनासिब वक्त नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, तो उसका यही नतीजा निकलना था ना। मैं आपकी बीवी हूं वलीद, फिर भी आपको एक नसीहत करूंगी, सुन लें आप। मैं आपको फिर से बता रही हूं, बीवियों की सारी ख्वाहिशों पे आमीन नहीं कहा करते, खसूसन जो पूरी ना हो सकती हूं, इसे ओवर कमिटमेंट कहते हैं। ऐसी कमिटमेंट्स जो पूरी ना होने पे ना औरत मर्द पे भरोसा करना छोड़ देती है, और भरोसा टूटने पे वो ऐसे ही दिल तोड़ा करती है। तुम ये बातें बनाने के अलावा और कुछ कर सकती हो? फरमाइए आप। क्या तुम बाबा से, मेरा मतलब है कि अगर तुम अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगो तो सारा को खुद ब खुद उसका हिस्सा मिल जाएगा। तो क्या आप मामू से मेरा हिस्सा नहीं मांग सकते? नहीं, मेरी बात नहीं मानेंगे, उन्हें मुझसे ज्यादा तुम पर यकीन। ठीक है, आप आराम से ऑफिस जाएं, मैं मुमानी जान को साथ मिला के कोशिश करती हूं। थैंक्स। साहब हो गया काम? तुम्हें पूरा यकीन है? 100% सर, यह मवाद काफी है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दे, जिन सरकारी मुलाजमों के साथ साजबाज के साथ ठेके लिए गए थे वो भी धरे जाएंगे। और सर वो दूसरी फाइल भी आपको मिल जाएगी, वो फ्लाईओवर वाली फाइल जिसके गिरने से कई लोग मारे गए थे। काफी है सर, असफंत खान को कई बरस के लिए जेल में रखने के लिए काफी है सर। बल्कि सर मैं तो मरने वालों के लॉयकीन से मिलता हूं और उनसे कहता हूं कि केस की पैरवी करें। शट अप। असफंत खान की बर्बादी पर खुश हो रहे हो तुम? सर पेट तो सबके साथ लगा होता है, आप खाने को देंगे तो आपके लिए काम करूंगा। बकवास बंद करो, और इस काम के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, असफंत से पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। 15 साल तक उसके साथ रहे, उससे वफादारी नहीं की तो मुझसे क्या वफादारी करोगे? खान साहब वो यार तुम तो चुप करो, क्या हो गया तुम्हें? जाओ जाओ, कल तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे।
नहीं 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 अकाउंट में नहीं, अकाउंट चेक हो सकता है, कैश हो जाए तो ज्यादा अच्छा। ओके ठीक है, कल आ जाना और अपने पैसे ले जाना। नमक हराम। अरे छोड़िए खान साहब, हमारा काम तो हो रहा है ना, इससे पहले कि असवत खान को पता चले और वो अपने डिफेंस का सोचे। वार करते हैं सर। देख लो सुल्तान मलिक, असफन बचना नहीं चाहिए। आप कदम बढ़ाएं सर, मैं आपके साथ हूं, केस तो मुझे लड़ना है ना। जी अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? जी जी सारे सबूत भिजवा रहा हूं। अब आगे आपका काम है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलें ठीक है, सारे कपड़े सिल गए ना, आप घर भिजवा दें, मैं बिल भेज दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ममाने जान, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बैठो, बताओ क्या बात है। पहले आप प्रॉमिस करें कि आप बुरा नहीं मानेंगे। राबिया क्या हो गया बेटा, क्यों इतनी तमहीद बांध रही हो, बताओ क्या बात है। मैं सोच रही थी कि तो तानिया भी घर पे आ गई, अगर अगर मैं अरबाज मामू से वलीद की प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर्स मांगू, मेरा मतलब है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अभी कुछ ही देर पहले इस मौजू पर कितनी तलखी हुई है, तुम फिर से वही बात कर रही हो। माने जान इस बार मैं अपने लिए कह रही हूँ। तुम और अपने लिए कुछ करो, क्यों बेवकूफ समझ रही हो मुझे? तो ममाने जान मैं और क्या करूं, जारा ने वलीद को मजबूर करके रख दिया है और मुझसे वलीद की बेबसी नहीं देखी जाती। मैं उसकी माँ हूँ राबिया, देख रही हूँ मैं भी सब कुछ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उसकी हर बेतुकी बात मान ली जाए। और क्या ये जरूरी है कि तुम ही हर सितम सहो और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो? मैं कुछ नहीं जानती, मैं वलीद को सिर्फ आसानी में देखना चाहती हूँ। तुमने उसकी बीवी को बर्दाश्त कर लिया है ना बेटा, ये क्या कम आसानी पैदा की है तुमने? लेकिन मुमानी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं राबिया, तुमने अभी मेरा सिर्फ प्यार देखा है, तुम्हें डांट भी सकती हूँ, खबरदार अगर अब तुमने कुछ करने की कोशिश की तो। तुम्हारे मामू ने अगर वलीद को अपनी जायदाद देनी होगी जो कि जारा तक जाएगी तो ठीक है, वरना तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। बस अरे आंटी आप आइए। कुछ दिनों से तुम वो जो तुमने एक ऑफिस बनाया था एनजीओ का, वहां नहीं जा रही, शौक पूरा हो गया क्या? नहीं आंटी अभी तो अधूरा है। ओ शायद तुम्हारा मकसद हमारे दो चार मुखालिफ पैदा करना था, वो तो हो गए, अब आगे क्या इरादे हैं आपके? आंटी ये हमारे तुम्हारे क्या होता है? ऑब्वियसली अगर कोई अंकल या सिकंदर का दुश्मन होगा तो मेरा भी होगा। तुम्हारा? तुम्हें जानता कौन है बताओ जरा, कौन जानता है तुम्हें? तुम्हें ऊंचे स्टेटस का शौक था, सिकंदर की सूरत में मिल गए, शोहरत की तलब थी, असफन की शहबत तुमने हासिल कर लिया, वरना तुम हो क्या? आंटी हम कोई और बात नहीं कर सकते, कुछ प्रोडक्टिव कुछ पॉजिटिव जिसमें कोई तामीरी पहलू हो। तामीर हो तो रही है तुम्हारी मेहरबानी से, नफरत की दीवार एक तरफ मैं और मेरा खानदान है और दूसरी तरफ अरबाज भाई। आंटी मैं भी तो आप ही के खानदान का हिस्सा हूँ,
आपको वो दीवार दिखाई दे रही है जो दो घरों के दरमियान है, और अपने ही घर में खड़ी दीवारें आप नहीं देख पा रहे। हर कमाल की बात तो ये है कि हर दीवार पे मजीद फासलों के इश्तहारात चस्पा हैं। वकील बोलो भी तो सही। तुम्हारी इतला के लिए मैं बता दूं, तुम्हारे आने से पहले ना हम सब बहुत खुश थे आपस में, रोज महफिलें सजती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हम सब बिखर कर रह गए। क्या मुझसे पहले सिकंदर और तानिया की एक बार शादी हो चुकी थी? सिकंदर और तानिया तो एक साथ हंसी खुशी रहते होंगे, है ना? ऐसा नहीं हो सका तो इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। पता नहीं कब से चल रहा था ये चक्कर। आंटी, हम हमेशा अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ढूंढते, कभी ये नहीं सोचते कि जो काम ना हो सका वो शायद होना ही ना हो, और हम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश में गलतियों पे गलतियां किए जाते हैं और इनमें उसी को ब्लेम कर देते हैं। मेरे ख्याल में हमें इस रविश को बदलने की जरूरत है आंटी, और अगर आप चाहें तो इस काम में मैं आपका साथ दे सकती हूँ। बस मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए, मुझे जिन रिश्तों की जरूरत थी वो तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हो गए हैं। बीबी जी, साहब आ गए। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। Is everything okay? Not really. क्या हुआ? अभी मिनिस्ट्री से फोन आया है कि वो मेरे खिलाफ केसेस बना रहे हैं। केसेस? कैसे केसेस? दो तीन ठेकों के हैं। कौन से ठेके? मेरा ख्याल है 12-15 साल पुराने। डैड, ये तो वही नहीं जिनकी सेटलमेंट हो गई थी? हाँ। तो फिर ये अब कैसे खोले जा रहे हैं दोबारा? अरबाज, डैड आपसे बोला भी था कि हिसाब बराबर कर लेते हैं, आपने झूठ दिया है। अरबाज मामू तो बढ़ते ही जा रहे हैं। कितना बड़ेगा अरबाज? मेरी नजर में तो घटता जा रहा है। डैड, जहां तक मुझे याद पड़ता है इन ठेकों की फाइल्स पे कॉन्फिडेंशियल का टैग लगा के सेफ में रखी हुई है। फिर हमारे ऑफिस इंफॉर्मेशन बाहर गई कैसे? बेटा, अरे बेटा, लेटी रहो लेटी रहो लेटी रहो। बस मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता जाऊं। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? बाबा, किसी को भी छोड़िएगा नहीं। हाँ बेटा, कहने की जरूरत नहीं है, बस बस तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। ये जख्म तो भर जाएगा बाबा, लेकिन जो जख्म सिकंदर ने मेरी अना पर लगाया है शायद वो कभी ना भर पाए। मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाने वालों की अना भी टूटेगी और ताकत भी। सिकंदर के पैरों तले से मैं जमीन और सर पर से आसमान छीन लूंगा,
और वो है उसका बाप असवंत। बाबा, क्या सिकंदर मुझसे गिड़गिड़ा के माफी मांगेगा? मैं वादा नहीं करता बेटा। हाँ, अगर वो बोलने के काबिल रहा तो जरूर माफी मांगेगा। मैं सिकंदर को रोता हुआ देखना चाहती हूँ। और मैं अपनी बेटी को हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। बस तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ, फिर हम इस घर में एक बहुत बड़ी सी पार्टी करेंगे। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। है बाबा? जी बेटा। अब इस घर में कोई भी खुशी उस घर में शोक के बाद ही मनाई जाएगी। ऐसा ही होगा बेटा, ऐसा ही होगा। याद है बेटा, तुमने मुझे एक बार शेर और चूहे की कहानी सुनाई थी। जी याद है। तो अब उस कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। मैं समझी नहीं अंकल। वही जिसमें शेर पे जाल फेंका गया और उस जाल को काटने के लिए चूहे के तेज दांतों की जरूरत थी। जी। और वो तेज दांत तुम्हारा अज़्म, तुम्हारी काबिलियत। अंकल, मैं हमेशा हर लिहाज से आपके साथ हूँ। इस घर में जो एतमाद आपने मुझे दिया, मेरे अब्बू भी मुझे वही दिया करते हैं। और बेटियां कभी भी अपने बाप को नहीं भूलती। आप मुझे सिकंदर से भी एक कदम आगे पाएंगे। बेटा, ईमानदार होना शायद एक ताकत है और शायद इस माशरे में उसकी कदर। जी अंकल, लड़ना पड़ता है, आखिरी हद तक जाके खुद को साबित करना पड़ता है। बस इसी लड़ाई में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मरियम को क्या बता रहे हैं असवंत साहब? ये तो हर बात जानती है। जा बेटा। Thank you. Thank you. पहले आपके बेटे ने इसे सर चढ़ाया और अब आप इसे कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हैं। वो इसे काबिल। अच्छा, मुझे तो इसमें ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आती। इसलिए कि आपकी आंखों पे तानिया नाम की ऐनक लगी है, उसमें से मरियम कभी भी साफ और खास नहीं दिखाई देगी। अंकल बहुत परेशान है। तुमसे कुछ कहा नहीं? कहा है, तभी तो कह रही हूं। आखिर ये सब चल क्या रहा है? कुछ नहीं, एक डिपार्टमेंट है डैड के खिलाफ केसेस तैयार कर रहा है। वो क्यों? अरबाज मामू की ख्वाहिश पर, वरना तो कई बरस पहले सब सेटल हो गया था। देखो, दुनिया में तीन तरह के दौलतमंद लोग होते हैं। एक वो जिन पर किस्मत मेहरबान होती है, और दूसरा वो जिनकी पिछली नस्लें अमीर रही हैं, और तीसरा आप करप्शन वाले लोग। और बदकिस्मती से सबसे ज्यादा तादाद उन्हीं की है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अंकल का करप्शन से क्या ताल्लुक? अब नहीं है, लेकिन पहले रह चुका है। और उस सब की सेटलमेंट हो चुकी है, ऐसा ही है ना? हाँ। देखो, 15 साल पहले अरबाज मामू और डैड ने मिलकर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस स्टार्ट किया था, और यके बाद इग्रेन को 3 फ्लाईओवर का टेंडर मिला, लेन देन करके।
फिर उससे काफी पैसा कमाया इन्होंने। दो फ्लाईओवर तो अभी तक कायम है, लेकिन बदकिस्मती से एक गिर गया। उससे कुछ लोग मारे गए। लेकिन फिर अंकल ने क्या किया? उनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया, लेकिन उसके बाद डैड ने ऐसे मामलात से हाथ खींच लिया, सिर्फ लिंक की हद तक ताल्लुक रखा। और अब अरबाज मामू वो केसेस इसलिए बना रहे हैं ताकि किसी तरीके से अंकल को फंसाया जा सके। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही कि उनको सबूत कहां से मिल रहे हैं। कोई तो है जो गड़े मूर्तों के कफन चोरी कर रहा है। होगा आपके ऑफिस का ही कोई राजदान, इसे सब पता होगा। वैसे पता तो अरबाज मामू को भी है सब, लेकिन कोई तो है ऑफिस में जिसके थ्रू ये सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन वहां जा रहे हैं। बस उसी की तलाश में हूं। हेलो, बाबर साहब से बात हो सकती है? जी फरमाइए, बाबर बात कर रहा हूँ। ये आपकी आवाज को क्या हो गया? आज से पहले तो कभी आपकी मुर्दा आवाज नहीं थी। यार मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, कोई सीरियस बात है तो बताओ। जी काफी सीरियस बात है, टाइम देखा है आपने? आज आपको मुझे शॉपिंग के लिए लेकर जाना था। अरे सॉरी मुझे याद नहीं रहा, वैसे भी अभी काफी काम पड़ा ऑफिस में। हाँ क्यों याद रहेगा आपको, और काम का किसको बता रहे हैं आप? इन्हीं वर्किंग आवर्स में आप तानिया को रोज लंच के लिए लेकर जाते थे, तब बिजी नहीं थे आप? गुलशन तुम फिर तानिया का जिक्र कर रही हो? जी लेकिन मैंने साथ थे भी लगाया था, यानी पास्ट। अच्छा प्लीज अब कल चलेंगे हम शॉपिंग पे, ठीक है? नहीं ना आज ही चलते हैं, आज सेल का लास्ट डे है, वो भी 40% ऑफ। फिर कल आपको अपनी जेब से शॉपिंग करानी पड़ जाएगी, सोच लें महंगा पड़ जाएगा। अच्छा बाबा मैं ही करवा दूंगा अपनी जेब से, लेकिन आज नहीं कल, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी घर आ जाइएगा। ओके सड़िए। अरे खान साहब ऐसी भी क्या बेताबी, हो जाएगा, अभी तो आपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं, बड़ा वक्त तो लगता है ना। मुझसे पूछो तो मैं चाहता हूं कि आज ही सब कुछ हो जाए तो अच्छा है। हसफन गिरेगा तो सिकंदर अकेला रह जाएगा, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतने पक्के सबूतों के बाद असफंद का कोई बाजू नहीं पकड़ेगा, ना ही अपोजिशन और ना ही पोजिशन। आप थोड़ा इंतजार करें, जैसा आप चाह रहे हैं वैसे ही होगा। मानी जान क्या हुआ है राबिया? मानी जान कोई मेरे बाबा के खिलाफ साजिश कर रहा है। साजिश हो रही? मगर तुमसे किसने कहा? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, वो अंदर रूम में अरबाज मामू उनके वो वकील दोस्त बाबा के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। उमानी जान मुझ पे कोई बात आएगी मैं बर्दाश्त कर लूंगी,
अगर मेरे बाबा को कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक, मैं देखती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। आप प्लीज देख लें मुमानी जान, अगर बाबा को कुछ हुआ तो मुझे मजबूरन उनका साथ देना पड़ेगा, और इससे ज्यादा मसाले मेरे बस में नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो राबे? सिकंदर भाई, वो बाबा के मैनेजर साहब। क्या हुआ है? सिकंदर भाई, मैं यहाँ अरबाज मामू से मिलने आए। क्या हो रहा है? ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको तो पता है ना कि मामू की और बाबा की लड़ाई चल रही है, तो वो नीचे क्या कर रहे हैं? चोर है ये, अब किसी चोर की तलाश। भाई हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताइए आप। हमारी फाइलें चोरी करके उन्हें दे रहे हैं। अभी कहाँ है वो? नीचे सबके साथ बैठे हैं। ठीक है, मौका निकाल लेते हैं। पूरे हैं, एक बार देख तो लो। हो गई तसल्ली? ऐसी वजी, अब जाओ। सर आइंदा भी कोई खिदमत मेरे लायक हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आइंदा तुमसे कोई काम नहीं है, और तुम भी कोशिश करना कि हमें याद ना रखो। सर आप तो ऐसे ही मुझसे नाराज हो रहे हैं, मैंने आपके लिए अपनी जान को खतरे में डाला। एहसान नहीं किया हम पर, कीमत चुकाई है हमने, अब जाओ। हाँ, लेकिन तुम्हें रास नहीं आई, इतने में खुद को बचा। मेरी बात तो सुने सिकंदर साहब। देखने के बाद सुनने की जरूरत नहीं रहती। मुझे माफ कर दे सिकंदर साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दे। माफ किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगा सिकंदर साहब। आइंदा की गुंजाइश नहीं है, अगर तुम दोबारा दिखे तो गोली यहां लगेगी, यहां। एम्बुलेंस।
मेडिसिन तुम डॉक्टर के पास गई थी क्या? डॉक्टर यहाँ आई थी। हाँ, वो मैंने ही कहा था। झूठ रिश्तों को कमजोर कर देता है। वैसे तुम्हारी वो डॉक्टर राबिया की काफी तारीफें कर रही थी। राबिया को तो वैसे ही शौक है खुद को बहुत अजीम साबित करने का, और तुमने मुझे मेरी सौकन के रहमो करम पर छोड़ दिया। वलीद, मैं इतनी बेबस पहले कभी नहीं थी। जारा, तुम्हारे पास इन तलख बातों के अलावा कोई और बात ही होती क्या? अपनी कोताहियों को अपनी ऊंची आवाज के नीचे मत दबाओ। चंद बरस पहले तो तुम्हें मेरी यही बातें अच्छी लगती थी ना। जारा, मुझे मेरी मोहब्बत की सजा मत दो। मोहब्बत की सजा किसे मिल रही है ये तुम खुद देख सकते हो। तुम आखिर चाहती क्या हो, मैं यहां पर ना हूं आगे से? बच्चे को भी देखने नहीं आओगे? डॉक्टर के मुताबिक ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। वलीद, मुझे एक बात बताओ कि अगर अचानक मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े तो मैं किससे बोलूं? तुम्हारी अम्मी को, जो आज तक मुझे यहां पर देखने तक नहीं आई, या तुम्हें जिसके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, या फिर एक बार फिर तुम्हारी वो दूसरी बीवी मेरे काम आएगी? बाबू है ना तुम्हारा मामू, वो तुम्हें ले जाएगा। मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी हूं। अरे, तुम्हारे पास ना वक्त बहुत कम है। इस दौरान अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे इस घर का हिस्सा तस्लीम नहीं किया तो मैं इस बच्चे को लेकर वापस अमेरिका चली जाऊंगी। यानी कि तुम मुझे अपनी तरफ से धमकी दे रही हो? इत्तला दे रही हूं। तुमने जारा के लिए डॉक्टर बुलवाई थी? मैं क्या पूछ रहा हूं तुमसे? हाँ, वो मामानी जान ने कहा था। तुम और मॉम, एक ही बात हुई ना, मुझे नहीं बता सकती थी? अब मैं क्या कहूं आपसे? कर छोड़ो, तुम्हें तो समझा समझा के मैं थक गया हूं कि ओवर एक्ट मत किया करो। ये गैर जरूरी काम तो तुमने कर लिए, अब बताओ जरूरी काम किया या नहीं? पापा से बात की? नहीं, मैं नहीं कर सकी बात। क्यों? मुमानी जान ने मना किया था। क्यों मना कर दिया? मॉम को क्या इशू है? ये तो आप उन्हीं से पूछें। नहीं, मैं मॉम से नहीं पूछूंगा। जब हमारे दरमियान कमिटमेंट हुई थी कि तुम बाबा से अपना हिस्सा मांगोगी तो तुमने बात क्यों नहीं? कह तो रही हूँ आपसे कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मजबूरन मुमानी जान से कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि ना सिर्फ वो मेरा साथ देंगे, अगर अगर मैंने कोई उल्टा सीधा काम किया तो वो मुझसे नाराज भी हो जाएंगी। पर अब आप खुद ही मुझे बताएं मैं क्या करती। मत करो तुम बात, मैं खुद बाबा से फुल एंड फाइनल बात करूंगा। मान गए तो ठीक है, वरना सारा को लेकर अमेरिका चला जाऊंगा। फिर बैठी रहना तुम यहां पर, शोहर के होते हुए बेवाओं जैसी जिंदगी गुजारना तुम। वलीद, क्या हो गया आपको? ठंडे दिलो दिमाग से सोचें और जारा को कंट्रोल में करें, ना कि खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। आप
मामू के गुस्से का पता भी है ना आपको? देख लेता, यहां मेरी जिंदगी तलख से तलख तरीन होती जा रही है और बाबा एक टस से मसी नहीं हो रहे। ऐसे क्या देख रही हो तुम? मैंने घरेलू नाचाकी ना खुशगवारी की बिना पे चीखते चिल्लाते मर्दों के बारे में सुना था और आज देख भी रही हूं। वो आपका मैनेजर था? हाँ। अब मैनेजर नहीं रहा। मोहब्बत खेल तमाशा।